जिस प्रकार से बयानबाजी चल रही है, लग रहा है कि गठबंधन अब गया और तब गया। और ये जो गठबंधन हुआ था, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन माननीय अमित शाह जी के घर पे हुआ था 10:30 बजे। और मुझे अब गठबंधन इस प्रकार से हो चुका है कि गठबंधन अब गया और तब गया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मगो और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की, और हरियाणा की राजनीति के अंदर बात करेंगे हरियाणा की सरकार की, उस सरकार की जिसके अंदर मनोहर लाल मुख्यमंत्री हैं और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, यानी कि सरकार भाजपा की है और सहयोगी जननायक जनता पार्टी है। लेकिन अब सहयोग रास नहीं आ रहा, ना भाजपा वालों को ना जजपा वालों को। जिस प्रकार से बयानबाजी चल रही है, लग रहा है कि गठबंधन अब गया और तब गया। हालांकि ये चर्चाएं चल तो रही हैं लगभग 8 महीने से, लेकिन जो हालात बन रहे हैं पिछले एक पखवाड़े से, उससे तो ऐसा लगता है कि जो सरकार के दोनों सहयोगी हैं, बहुत जल्दी अपनी अपनी राह अलग कर सकते हैं, राह अलग हो सकती है। और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि शायद राहें तो जुदा हो चुकी हैं, लेकिन इसका रास्ता कौन तय करे, ये दोनों पार्टियाँ एक दूसरे की तरफ दिख रही हैं। राहें कैसे जुदाएँ, इसकी वानगी भर है कि भाजपा के जो हरियाणा के प्रभारी हैं विप्लव देव, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सुलझे हुए नेता हैं, वे जब उचाना में जाकर बयान देते हैं कि उचाना से अगली विधायक प्रेमलता चौधरी होंगी, और उचाना वो विधानसभा सीट है जहां से दुष्यंत चौटाला आजकल विधायक हैं, और उसके जवाब में दुष्यंत चौटाला बोलते हैं कि 3 लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, मान लेना कि मैं अगला चुनाव फिर उचाना से लड़ूंगा। जवाब फरीदाबाद की धरती से आता है विप्लव देव जी का, और वो कहते हैं कि पेट में दर्द किसके हो रहा है मुझे पता नहीं, और ना तो मैं कोई डॉक्टर हूं और ना पेट में दर्द हो रहा है। और अगले आगे बढ़कर विप्लव देव जी ये बोलते हैं कि किसी ने हम पर कोई एहसान नहीं किया, यानी कि जो जननायक जनता पार्टी भाजपा को समर्थन दे रही है उसमें कोई भाजपा पर जननायक जनता पार्टी का एहसान नहीं है। जननायक जनता पार्टी के लोग सरकार में मुखिया मंत्री बने हुए हैं, उप मुखिया हैं, और उनके पूरा वजन मिला हुआ है। और आज जब हम आपके साथ इस वीडियो पर बातचीत कर रहे हैं, इस वीडियो पर चर्चा करेंगे आपसे हरियाणा सरकार को लेकर, तो आज के दिन विप्लव देव ने हरियाणा के 4 निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक की, तो उसके बाद फिर तेवर तल्ख हुए जजपा के नेताओं के, और जननायक जनता पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, मुखिया हैं, नेता हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, झज्जर के दुजाना में अपनी सभा में बोले कि किसी ने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। तंज कसा विप्लव देव पर, उन्होंने कहा कि कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा, और ये जो गठबंधन हुआ था, ये हरियाणा का जो सरकार के लिए गठबंधन तय हुआ था, सरकार बनाने के लिए जो तालमेल हुआ था, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर हुआ था। और अब इस सारे मामले को जो चल रहा है, जो भाजपा और जजपा के नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है, इस पर कांग्रेस के नेता और इनेलो के नेता खासकर बहुत मज़े ले रहे हैं। कभी कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि कौन से ठाट, कैसे ठाट, ठाट किसके ठाट, किसके ठाट दिलाएंगे, और दूसरी तरफ जो दुष्यंत और दिग्विजय के चचा हैं अभय सिंह चौटाला, आज जब एलनाबाद के अंदर अपनी परिवर्तन यात्रा को लेकर पहुंचे थे, तो उस यात्रा में अभय सिंह चौटाला ने सीधे सीधे तंज कसा जननायक जनता पार्टी के नेताओं पर, अपनों पर, और कहा कि बेशरम हुए बैठे हैं, भाजपा वाले तो कब से पींडा छुड़ाना चाहते हैं। खैर, जब राजनीति के अंदर इस प्रकार के हालात बनते हैं, तो जो सियासी लोग होते हैं, सियासी नेता होते हैं, वो इस प्रकार के बयानबाजी सामने आया करती हैं। तो मान लिया जाए कि जो हरियाणा के अंदर जो गठबंधन की सरकार चल रही है, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, और अब गठबंधन इस प्रकार से हो चुका है कि गठबंधन अब गया और तब गया, जिसके अंदर दरार काफ़ी समय से साफ दिख रही थी, अब वो दरार, वो खाई चौड़ी होने लगी है, और उसके पटने की उम्मीद बहुत कम हो रही है। हालांकि पहले जब जब कभी कोई ऐसी बात होती थी, तो
तो भाजपा के जो सीनियर नेता थे, बड़े नेता थे, उसमें वो चुप्पी कराया करते थे या शांति हो जाया करती थी। लेकिन अब जो पिछले दिनों से देखें, लगभग एक पखवाड़े से या पिछले एक महीने से, तो ऐसे कई मामले आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे पहला तो वहीं से शुरुआत करें कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था, सार्वजनिक बयान दिया था कि हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जजपा तो बस एक सहयोगी पार्टी है, और उसके जवाब में सरदार निशान सिंह ने कहा था कि प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, सिर्फ हम सहयोगी हैं और सरकार बनाने के लिए अब दुष्यंत चौटाला को मजबूत करेंगे। उसके बाद बयान आया बीजेपी के जो प्रभारी हैं हरियाणा के, विप्लव देव का, जो मैंने आपको पहले बताया कि जब विप्लव देव उचाना में गए थे तो उचाना में उन्होंने कहा कि जो उनकी पूर्व विधायक थी प्रेमलता चौधरी फिर से भावी विधायक कहकर संबोधन दिया, तो उससे तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ फिर अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है उनको। और जबकि इस समय दुष्यंत चौटाला वहाँ से विधायक हैं, और दुष्यंत चौटाला ने तुरंत उसके जवाब में कहा कि किसी के पेट में दर्द हो तो होता रहे, दर्द की दवाई मेरे पास कोई नहीं है। उन्होंने तो आगे बढ़कर ये भी कहा कि पहले दो लोगों के पेट में दर्द था, तीन लोगों के पेट में दर्द है, लेकिन साफ सुन लो, उचाना से चुनाव लड़ूंगा। और इस पर विप्लव देव ने कहा कि जननायक जनता पार्टी ने हमें समर्थन देकर कोई एहसान नहीं किया, बदले में हमने उनके मंत्री बनाए हैं। और फिर गठबंधन में चुनाव लड़ने पर दुष्यंत चौटाला ने यह कहा था कि भविष्य में क्या है, मैं भविष्यवाणी करने वाला कोई ज्योतिषी नहीं हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारा संगठन है, यानी कि जननायक जनता पार्टी है, क्या हम 10 सीटें लेकर सीमित रह जाएंगे। समझने वाली बात है, बड़ी गहरी बात थी। उन्होंने ये कहा था दुष्यंत चौटाला ने कि क्या हम 10 सीटों पर सीमित रह जाएंगे और क्या भाजपा के लोग 40-45 पर सीमित रह जाएंगे। यानी कि उनका स्पष्ट था कि ना वो 10 सीटों पर गठबंधन करने वाले हैं, ना भाजपा के लोग 41 सीटों पर मान जाएंगे। तो ऐसे में, क्योंकि 2024 का चुनाव दस्तक दे रहा है, और इस सबसे आगे बढ़कर मैंने जो बताया आपको, जो तलखी चल रही थी, दुष्यंत चौटाला ने झज्जर के दोताना में जाकर बोल दिया कि भाई गठबंधन जो करने के लिए दोनों पक्षों की पहल थी, प्रदेश के अंदर ठीक सरकार दी जाए, माननीय अमित शाह, जो दुष्यंत चौटाला जी की बानगी थी, कि अमित शाह जी के निवास पर बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर सब कुछ तय हुआ था, किसी का किसी पर कोई एहसान नहीं है। और जब कोई एहसान नहीं होता ना, जब एहसान उतारने की बातें खत्म होनी चल जाती हैं, तो उसके बाद में राहें जुदा होने का समय हो जाता है। मान लिया जाए कि इस गठबंधन में सब कुछ जो ठीक ठाक नहीं चल रहा, जिसकी चर्चाएं काफ़ी समय से हैं, तो अगर ये कहा जाए कि इस गठबंधन का टूटने का समय, इस जो राजनीतिक प्रेम सगाई थी, इसका अब तलाक होने का समय नज़दीक आ रहा है, यानी कि गठबंधन टूटने का समय नज़दीक आ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कब होगा, क्योंकि राजनीति के अंदर संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, क्यों होगा, और उसके लिए हालात क्या बनेंगे, हालात तो लगभग बन चुके हैं, अब तो सिर्फ ये बात रह गई है कि कब, कैसे, कहां और क्यों। तो ये गठबंधन रहेगा या टूटेगा, नज़र सबकी रहेगी, जिज्ञासा आपकी भी होगी, लेकिन जो राजनीतिक हालात बता रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि बहुत जल्दी कोई फैसला हो सकता है, और जैसा फैसला होगा, हमारा प्रयास होगा सबसे पहले आपको हम ही बताएं। बस हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।